राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी इंडिया और अमेरिका की एक पार्टनरशिप बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। इंडिया और अमेरिका के दरमियान पहले भी बहुत करीब संबंध पैदा हो चुका है, लेकिन उसके अंदर उसकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और मेरा ये ख्याल है कि इस ट्रिप के बाद उस क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट के बारे में हम बहुत कुछ सुनेंगे भी और बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखेंगे भी जिससे अमेरिका और इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स नजर आने लगेंगे इंडो पैसिफिक में, साउथ एशिया में और ग्लोबल मैटर्स में। जो मीटिंग है ये यूं समझिए कि जैसे फर्स्ट डेट है, ये शादी नहीं है, तो इसमें दोस्ती और संबंध ऐसा आगे बढ़ेगा कि जिसके नतीजे में एक प्रोसेस पैदा होगा। और मेरी जो सोच है वो यही है कि उस प्रोसेस से इंडिया और अमेरिका और नज़दीक आएंगे। लेकिन अगर कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ एक मीटिंग के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा भी नहीं होगा। इस मीटिंग के से शुरुआत होंगी और उन शुरुआत से बहुत कुछ निकलने का इम्कान है। मेरा ये ख्याल है कि मोदी जी अपना जो ओपिनियन है पाकिस्तान के बारे वो तो जरूर बताएंगे राष्ट्रपति ट्रंप को, लेकिन फिर देखना ये है कि, और ट्रंप भी अपनी बात खुल के करेंगे, लेकिन आपको पता है कि देशों के दरमियान जो रिलेशंस होते हैं उनके अंदर बड़ी समझ के साथ और सोच सोच के फूंक फूंक के कदम रखने की बात होती है। तो अगर इंडिया के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर लोग ये चाह रहे हैं कि बस अभी कोई बहुत बड़ा बम मारने की बात हो जाए और पाकिस्तान पर और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाए कल, तो वो तो नहीं होने वाला। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इंडिया और अमेरिका की स्ट्रेटजी आतंकवाद के साथ निमटने के बारे में उस पर यकीनन काफी आगे की तरफ बात बढ़ेगी।